आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और काम की बात में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसी खातून से जो कि पाकिस्तानी हैं, रहती वो स्टेट्स में हैं तकरीबन 20 सालों से। उनका दिल पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में धड़कता है और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं इंटरनेशनली। यहाँ पे मैं एक ऐसी खातून की बात कर रही हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, अकम्प्लिश किया हुआ है। यहाँ से उन्होंने MBA किया, फिर बाहर गई, वहाँ पढ़ाई की और उनका नाम है ईमान सिद्दीकी, हेड ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड यूज़र एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी, जिसको पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मोस्ट वेलकम। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है ईमान, कि जब भी कोई एक मर्द एक पोस्ट पर बैठा होता है या किसी शो में जाता है, कोई बात होती है, कभी कोई उससे नहीं पूछता कि अच्छा आप इतने बड़े होते पे और आप मैरिड भी हो, 3 बच्चे भी हैं, लेकिन अभी हम उस फेज में है जिंदगी के जिसमें औरत से पूछा जाता है। बिल्कुल। तो आई थिंक यही मेरा सवाल है कि बच्चे होना, फैमिली होना, इतनी ज़्यादा अकम्प्लिशमेंट होना, मैनेज कैसे करती है सारी चीज़ों को? बहुत अच्छा सवाल है, और अगर मैं सोचूं कि कैसे मैनेज किया तो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मेरा ख्याल है किस तरह मैंने मैनेज किया, 1 day at a time, कि आज मैंने क्या करना है, मैं अपनी कोशिश करके आज बेहतरीन दिन गुजारूंगी, जो काम करूंगी उसमें अपनी पूरी तवज्जो भी दूंगी और मेहनत भी करूंगी, तो वो आप थोड़ा थोड़ा करते रहे रोज़, तो अल्टीमेटली आप वो चीज़ अचीव कर लेते हैं। अगर आप सोचें कि ओहो मैंने ये सब करना है, तो वो बहुत एक बड़ा सा पहाड़ लगता है। बिल्कुल। लेकिन उसको छोटी छोटी बाइट्स में, जैसे कहते हैं ना, चू इट इन लिटिल बाइट्स, और उसके हिसाब से आप करते रहें तो हो जाता है। लेकिन हाँ, मेरी शादी काफ़ी यंग हो गई थी, उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू की, उसी के दौरान एक बच्चा भी हो गया, फिर एक और। और तो पाकिस्तान में थी? मैं पाकिस्तान में थी, मैं तो पैदाइश पली बड़ी हर चीज़ पाकिस्तान में थी। अच्छा, तो आप पाकिस्तान में थी, फिर यहाँ से आपने अपना MBA कंप्लीट किया। हाँ। और उस वक्त आपकी शादी नहीं हुई भी थी? नहीं, हुई थी। Okay. मैंने शादी के बाद MBA शुरू किया। Okay. और बीच में आई हैड अ बेबी, और फिर मैंने एक गैप लिया, उसके बाद फिर कंप्लीट किया। अच्छा, और ये गैप कितने टाइम का लिया था? ऑलमोस्ट 1 साल का। अच्छा, मुझे ये बताएं ईमान, के हम अमूमन ये कहते हैं, खास तौर पे वो लोग जो कि कभी बाहर जाकर ट्रैवल किया हो लेकिन रहे ना हो, हाँ। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में एक चीज है कि भाई औरत जब काम कर रही होती है तो उसके लिए मुश्किल होता है घर मैनेज करना, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन बाहर की दुनिया में भी क्या ये इतना कॉमन है? बहुत ज़्यादा, बल्कि इन सम वेज मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं तो दोनों जगह रही भी हूँ और पढ़ी भी हूँ और काम भी दोनों जगह ही किया है एक्चुअली। जब यहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया था तो कुछ अरसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड में काम किया था, उसके बाद हम लोग अमेरिका मूव हो गए थे। सो दोनों जगह की अपनी मुश्किल है, यहाँ पर फैमिली सपोर्ट बहुत होता है, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में थी तो बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट था, घर की डोमेस्टिक हेल्प भी होती है, तो ये चीज़ें बहुत सहूलत होती है। और फ्रेंकली दुनिया जो भी सोचे, मुझे लगता है पाकिस्तान में औरतों की एक तरफ से बहुत इज्जत भी की जाती है। और आप बाहर चले जाएं तो वो जो सारा इक्वालिटी है, वो दे टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, कि बिल्कुल आप बराबर है ना, तो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है ना, कि भाई चलो थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, उस तरह वो नहीं होता। वहाँ और तरह के मसाइल हैं, कि आपने घर आके हर चीज़ खुद करनी है, घर के काम काज, दूर दूर कम्यूट करना है। मेरी एक दफ़ा जॉब थी न्यूयॉर्क में, तो 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना, और फिर आके खाना शाना घर का। सो ये सब मसले तो हर जगह हैं। और जो आप पूछ रही थी कि वहाँ पे भी ये होता है या नहीं, बिल्कुल होता है। जो मैं काम करती हूँ औरों के साथ, तो वो आदमी स्पेशली मुझे कहते थे, ओ आप ट्रैवल कर रही हैं काम के लिए, आपके बच्चे कहाँ हैं? तो मैं कहती थी मेरे हस्बैंड के पास, और मैं उनसे पूछती थी, अच्छा आप ट्रैवल कर रहे हैं काम के लिए, आपके बच्चे कहाँ हैं? तो वो कहते थे, ओ मेरी बीवी के पास, और वो कहते थे, ओ आपके हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं जो बच्चे देख रहे हैं और आप ट्रैवल कर रही हैं। तो मैं कहती थी, हाँ और आपकी बीवी भी बहुत अच्छी है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और वो देख रही है। तो आई थिंक इस तरह ज़रा बिल्कुल, लेकिन मतलब मसले होते हैं जिस तरह आप हैंडल करें और जवाब दें। आपने बहुत गहरी बात की है कि हम अभी भी कभी अगर देखते हैं ना कि किसी इंसान की, मैं किसी को जानती हूँ जिनकी वाइफ की जो है वो डेथ हुई, तो उन्होंने अपने बच्चे को संभाला और सब कोई कहते थे कि ओ बेचारे। हमने कहा ऐसी बहुत सारी माएँ भी होती हैं, बट अभी तक नॉर्मलाइज नहीं हुआ। अच्छा, खासतौर पर आपने जो डोमेस्टिक हेल्प की बात की ईमान, हमें यहाँ पे अगर आप एक ख़ास आपकी इनकम है और आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपको ज़िंदगी में सकून मिले, तो आप आराम से कोई हेल्पर हायर कर सकते हैं, राइट? आपके घर के स्टाफ आप हायर कर सकते हैं। वहाँ पे मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। हाँ। तो वहाँ पे आप 3 बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, घर को साफ कैसे रख, लाइक हाउ डू यू टेक केयर कि जब आप घर पे वापस आए तो आपके लिए भी घर साफ आपको मिले, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दैट? सबकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है क्या? अब हो गई है एक्चुअली, पेंडेमिक में बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि मतलब पहले तो खुद ही सब कर रही होती थी या
कभी कभार हेल्प को बुला ली, एवरी टू वीक्स किसी को बुला लिया उसने हेल्प कर दी, लेकिन पेंडेमिक में मैंने कहा भाई अब कोई क्लिनिक के लिए भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं कर रहा, सबको खुद करना है। तो उन दिनों बहुत अच्छी हेल्प हो गई थी कि बच्चे भी सब अपना बाथरूम खुद कर रहे थे, फिर एक दिन कोई स्टेयर्स ब्रूम कर रहा है, एक दिन किचन ब्रूम कर रहा है, कुकिंग मैं ही मेजॉरिटी ऑफ द टाइम करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड भी काफ़ी हेल्प करते हैं और बच्चे भी अब अल्लाह का शुक्र है, लाइक वी ऑल डू आर ओन लॉन्ड्री और अपने कमरे सब खुद ही साफ। बहुत बहुत बड़ी बात है अपने कमरे खुद साफ करना, अपनी लॉन्ड्री खुद करना। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके हस्बैंड का इसमें क्या कितना बड़ा रोल है इसमें? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक्चुअली। जो मैं बता रही हूँ कि शुरू में जल्दी शादी हो गई थी, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टडी, लेकिन मेरी इन लॉज और हस्बैंड भी चाहते थे कि मैं करूँ। और एक ज़माने में जब मैं वही शादी के बाद पढ़ रही थी तो क्लासेस में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि माइंडसेट तब ऐसा था कि लोग मुझे एक्चुअली टीचर्स ये कहते थे कि आप क्या कर रही हैं क्लास में, आप जाएं अपने हस्बैंड का ख्याल रखें, वो बेचारे भूखे होंगे, उन्होंने नाश्ता नहीं किया होगा। और ऐसे मजाक में एक दो टीचर्स ये भी कहते थे जो बहुत आपको उस वक्त हर्टफुल चीज़ें लगती हैं कि ओहो मैं तो इनके हस्बैंड से मिला, ऐसे मजाक में ना, कि वो बेचारे बटन टूटे हुए, बाल बिखरे हुए, भूखे प्यासे फिर रहे थे, क्योंकि ऐसी लड़कियाँ तो पढ़ने आ जाती हैं। तो इस तरह का स्ट्रगल बहुत होता है। और वो क्लास मैंने दो दफ़ा ड्रॉप की थी बिकॉज वो टीचर बस मुझे लग रहा था ये तो नहीं हो सकता, जब इतनी पेट्रियार्की, इतनी मिसोजिनी आप अपने सामने देखें। बिल्कुल, एंड इट्स हर्टफुल आल्सो कि आपको पूरी क्लास के सामने वो कह रहे हैं और हंस रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यू नो एज अ यंग गर्ल इट्स रियली डिफिकल्ट। सो बैक टू हाउ माई हस्बैंड सपोर्टेड मी इन दैट सिनेरियो आल्सो कि वो क्लास मैंने ड्रॉप कर ली थी और फिर समर कोर्स लिया था, तो उन्होंने भी वो समर कोर्स ले लिया था कि चलो मैं भी एक समर कोर्स ले लेता हूँ, तो उस लिहाज से मुझे फिर वो कोई कुछ कह नहीं सका। जब इस तरह का आपको किसी टीचर ने कहा और आपने अपने हस्बैंड से जाके डिस्कस किया तब आपको लगता है बोझ हल्का हो जाता है कि आप दोनों उस बात पे हंस रहे हैं, ये क्या बात है? हाँ हंस भी रहे, और फिर उन्होंने कहा अच्छा मतलब ये कोर्स तो तुम्हें करना है तो कैसे करोगी, फिर हमने ये सोचा कि अभी ड्रॉप कर लें और समर में कर लेंगे, एंड यू नो समर में तो एक्स्ट्रा लोग भी कर लेते हैं समर कोर्सेज, तो फिर हमने साथ वो एक कोर्स कर लिया था। ठीक है, अच्छा मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि फखरे पाकिस्तान हम आपको कह रहे हैं। तो आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स है, यूजुअली लोग जो है वो सॉफ्टवेयर साइड पे एप्लीकेशन यूजर साइड पे नहीं जाते, सो प्लीज अगर आप हमारे आसान जबान में हमें समझा सकें क्या क्या किया हुआ है आपने। बहुत, मेरी जो मैं कहती हूँ स्पेशलाइजेशन है वो ये है कि मुश्किल चीज़ को आसान बनाना। तो उसी में मैं आपको बता देती हूँ कि इधर से मैंने MBA किया और जब हम अमेरिका मूव हुए तो मेरी जॉब मार्केटिंग में थी, क्योंकि मेरा MBA मार्केटिंग में था। लेकिन लक ऐसी हुई कि उस वक्त ना वहाँ पे भी Y2K का पूरा वो ई कॉमर्स का बड़ा बूम आ रहा था, एंड ई कॉमर्स इज़ यही कि ऑनलाइन चीज़ें खरीदना और बेचना और वेबसाइट्स की, और ये तब 20 साल पहले बहुत ये पॉपुलर हो रहा था। तो वो मार्केटिंग वेबसाइट मार्केटिंग बन गई, और वेबसाइट मार्केटिंग के थ्रू उन्होंने कहा जी अब इस वेबसाइट को आपने लोगों के साथ काम करके बेहतर बनाना है, इसकी मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी हो। तो तब मैंने आहिस्ता आहिस्ता डेवलपर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स और उनके साथ काम करना शुरू किया। सो लॉट ऑफ माई टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग वॉज ऑन द जॉब, सो वो करना शुरू किया। बट थ्रू आउट दैट ऑब्वियसली फिर हर फील्ड में अब तो आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहना पड़ता है, तो जब एक डायरेक्शन में गई तो उसमें पढ़ती रही पढ़ती रही। तो आज जो मैं काम करती हूँ वो ये है कि फॉर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अगर कोई उनकी यूनिवर्सिटी की कोई रिक्वायरमेंट है कि कोई प्रोसेस डिजिटलाइज हो जाए और वो आप बाय नहीं कर सकते, जैसे जूम है, अब तो बहुत लोगों को पता है ना जूम ऑनलाइन है, तो जी जूम एक रिक्वायरमेंट है कि वीडियो कॉल्स करनी है, तो वो तो प्रोडक्ट आपने बाय कर लिया और यूनिवर्सिटी ने यूज़ कर लिया। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की कोई रिक्वायरमेंट है जो ख़रीद नहीं सकते, ऑलरेडी बनी हुई नहीं है, तो फिर वो मेरी टीम बनाती है फ्रॉम स्क्रैच, वो सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच फॉर द यूनिवर्सिटी। सो वी बिल्ड इट, वी मेंटेन इट, वी सपोर्ट इट, और वो बहुत अरसे चलता है और फिर उसको हम अपडेट करते रहते हैं। सो राइट नाउ द पोर्टफोलियो दैट आई मैनेज इज अबाउट 40 एप्लीकेशंस। वेरी गुड। और इसमें से कोविड में कितनी ज़्यादा थी, बिकॉज कोविड में आई एम श्योर बहुत बढ़ गया होगा। एक्सेलेंट क्वेश्चन। कोविड में तो बहुत वो हो गया था, सब लोग ऑनलाइन ही थे, एंड प्लेसेज लाइक प्रिंसटन आपको हर चीज़ ऑनलाइन चलानी थी जो उनकी स्पेशलिटी नहीं है, बिकॉज दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन पीपल कमिंग टू द कैंपस। सो जब कैंपस ही नहीं था तो ऑनलाइन हमने झटपट बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, टीचर्स को हेल्प करने के लिए, कोविड टेस्टिंग के लिए, रिपोर्ट्स जो आपके कोविड टेस्ट के रिपोर्ट्स हो उनको वापस देने के लिए। तो इट वॉज वेरी हेक्टिक, लेकिन बहुत अच्छा हो और गया उसमें, था। उसमें कोई ट्रायल एंड एरर होते हैं कि यूजर फ्रेंडली कितना है कि आपने एक बनाया और फिर वो टीचर्स को समझ में ही नहीं आ रहा तो वो आगे कन्वे कैसे करेंगे? ये भी एक्सेलेंट क्वेश्चन। एंड आप जब मुझे इंट्रोड्यूस करा रही थी तो आपने कहा था ना सॉफ्टवेयर
डेवलपमेंट एंड यूज़र एक्सपीरियंस. सो दूसरी टीम जो मैं हेड करती हूँ वो यूज़र एक्सपीरियंस है. सो वो हम थोड़ी सी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बना के यूज़र्स को दिखाते हैं, और फिर एक यूज़र एक्सपीरियंस के रिसर्चर्स हैं जो देखते हैं कि अच्छा आप स्ट्रगल कर रहे हैं या आप आसानी से हर चीज़ नेविगेट कर रहे हैं, एंड देन दे टेक दैट फीडबैक और फिर वो डेवलपर्स को देते हैं और वो उसको दोबारा बनाते हैं. तो ये कॉन्स्टेंट ट्रायल एंड एरर का वो होता है ताकि अल्टीमेटली जो हो वो अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस हो. अमेजिंग, दैट्स वेरी नाइस. यानी पहली बार जो भी हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ईमान, एक ले मैन तो ये समझेगा कि ये पहला पास ऐसा ही है, ये ऐसा ही बनाता नहीं, उसके पीछे बहुत काम हुआ बहुत ज़्यादा जी. अच्छा, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आपके जो फादर हैं उनसे भी आप इंस्पायर्ड हैं कि उनकी एक बुक भी जो है वो यूनिवर्सिटी के. ओह वेरी गुड रिसर्च, थैंक यू. हाँ बहुत ज़्यादा. उस बारे में भी बताइए. ज़रूर. मेरे फादर हिज पास्ट अवे, ज़फ़र समदानी, एक्चुअली उनका मीडिया से भी बहुत गहरा ताल्लुक था और वो PTV के फर्स्ट न्यूज़ एडिटर थे और बहुत फेमस जर्नलिस्ट भी थे. इनफैक्ट जब व्हेन ही डाइड तो उन पर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी थी, तो वो काफ़ी लिखते थे. उनसे इंस्पिरेशन ये है कि वो ये ज़रूर कहते थे कि बस लगे रहो, यू नो डोंट गिव अप, तो थोड़ा 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 करते रहो तो अल्टीमेटली आप एंड गोल तक पहुंच जाते हैं. जबरदस्त कंसिस्टेंसी के साथ. कंसिस्टेंसी बिल्कुल. एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ईमान के बारे में बताऊं, अगर आप ये सोच रहे हैं भाई सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर हमें समझ गया था, ईमान ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं. वो बहुत सारे आर्टिकल्स कुछ पाकिस्तान के बहुत फेमस सेलिब्रिटीज के बारे में, ऐसी ऐसी इन्होंने बातें जो है वो बताई हैं जो कि आपको सुन के बहुत खुशी होगी, मज़ा आएगा. उसमें मीरा जी हैं, उसमें हमारे आतिफ असलम हैं, एंड उसमें हमजा अली अब्बासी है. तो मैं चाहती हूँ आप हमजा अली अब्बासी से अगर स्टार्ट करें कि उनका एक ख्वाब है जो आपने शेयर किया. हाँ, आर्टिकल में क्या ख्वाब है? हाँ बिल्कुल. हमजा ने वो न्यूयॉर्क आए थे तो बताओ मैं लिखती क्यों, क्योंकि एक तो माई फादर यूज टू राइट और मुझे हमेशा से लिखने का शौक था, मतलब very fond of English literature. और फिर जब मैं अमेरिका चली गई तो मैं बहुत मिस करती थी पाकिस्तान को और हर चीज़ को. सो राइटिंग फॉर यू नो फॉर पाकिस्तान एंड एनीथिंग, जब वहाँ पे कुछ हो रहा होता था जैसे पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल हुआ है या कोई एक्टर्स आ रहे हैं तो मैं वो लिखती थी, तो इट केप्ट मी कनेक्टेड ऑल्सो. सो वो मुझे एक बहुत होता था कि इफ आई मिस माई कंट्री तो हाउ डू आई स्टे कनेक्टेड एंड रेलिवेंट. सो जी, जब हमजा आए थे एक्चुअली उनकी मूवी थी परवाज़े जुनून ना, उसके लिए वो आए हुए थे तो बातचीत हुई थी, तो उसी हिसाब से और उसी रेलेवेंस से उन्होंने शेयर किया था कि वो तो ही लव्ड बीइंग इन दैट मूवी बिकॉज उनकी अपनी ड्रीम है कि वो पाकिस्तान के लिए एक फ्लाइंग स्कूल खोलें. तो आई डोंट नो कहाँ तक ये ड्रीम पहुँची है या नहीं, लेकिन ये बिल्कुल उन्होंने शेयर किया था. और आपने और भी सेलिब्रिटीज़ के बारे में वो बातें बताई हैं जो हम उनको देखते रहते हैं तो सोचते हैं. मीरा जी के बारे में आपने बताया कि जिस तरह से वो जब आई तो आपने ऑब्जर्व किया कि जिस तरह से वो ट्रेन लेती थी, दैट वाज इंपेकेबल. सो आई लिव इन न्यू जर्सी और हमने न्यूयॉर्क में मिलना था. सो मैं न्यूयॉर्क गई तो वो भी आई थी और स्नीकर्स ईकर्स पहने हुए थे और कह रही कि मैं तो इतने महीनों से यहाँ हूँ और मैं हर जगह ट्रेन लेके जाती हूँ और मैं घर जाके अपनी कुकिंग भी करती हूँ और क्लीनिंग भी करती हूँ और मैंने तो सारा सबवे सिस्टम नेविगेट कर लिया है. तो आई वॉज ऑल्सो वेरी इंप्रेस्ड. मैंने कहा वाह भाई, ये तो बड़ी यू नो इट्स नॉट ईजी, स्पेशली अगर आप पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में रहे हैं, वहाँ जाके ऐसे पिकअप करना ऐसी चीज़ें, तो आई वॉज इम्प्रेस्ड. आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड. मैंने मीरा जी पे आर्टिकल पढ़ा, मैंने कहा ये तो मैं ज़रूर पूछने वाली हूँ कि वो इतने मज़े से नेविगेट कर लेती थी. और अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाके ट्रैवल करते हैं ना, हाँ, वो सबवे MRT वो सारी चीजों को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. बिल्कुल, काफी. अच्छा मुझे ये बताइए कि व्हाट आर द वेज कि जिनसे आप पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं? ओह ग्रेट क्वेश्चन एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट आल्सो. सो व्हेन आई मूव्ड टू द US, हम जिस टाउन में रहते थे वहां पे जिस स्कूल में मेरा बेटा जाता था जब बड़ा वाला, तब वो 5 साल का था, तो उस स्कूल में एक्चुअली वो अकेला एक पाकिस्तानी था. सो यू नो जब फेस्टिवल्स हो रहे हैं कभी क्रिसमस और ये और वो, थैंक्स गिविंग और ईद हम लोग घर पे करते थे, तो ही वुड बी लाइक किसी को पता ही नहीं है ये क्या है फेस्टिवल, और मैं स्कूल में बताता भी हूँ तो नहीं पता. एंड आई एम टॉकिंग लाइक 20 years ago. अब तो बहुत ग्लोबलाइजेशन बढ़ गई है, बहुत अवेयरनेस और ये और वो. तो तब मैंने ये शुरू किया कि ईद पे, लाइक नॉट एग्जैक्टली ऑन ईद बट एक आध दिन आगे पीछे, हम लोग पूरे कपड़े देसी कपड़े कुर्ते शलवार और चूड़ियाँ और ये सब करके और मिठाई लेके और मेहंदी लेके मैं उसके स्कूल जाने लगी ईद के लिए. एंड आई टोल्ड द टीचर्स कि भाई वी वॉन्ट टू यू नो डिस्कस अ न्यू अ फेस्टिवल विद द चिल्ड्रेन एंड क्रिएट दिस अवेयरनेस अबाउट ईद. तो वो लोग भी बहुत वेलकमिंग थे. तो वो अरहम मेरा बड़ा बेटा है, वो भी शलवार कमीज पहन के हम जाते थे और स्कूल में फिर बच्चों को मेहंदी भी लगा रहे हैं. एंड इट वाज रियली क्यूट बिकॉज बॉयज आल्सो वांटेड इट. और वो आके कहते थे ओ कैन यू ड्रॉ अ डायनासोर, कैन यू ड्रॉ अ ट्रक. तो मैं कहती अच्छा ट्राई करते हैं ट्रक और डायनासोर. फ्यूजन हो गई ना, फ्यूजन हो गई. सो दैट स्टार्टेड दिस
थिंक कि भाई देर पीपल वॉन्ट टू नो अबाउट इट बट दे जस्ट डोंट नो वेयर टू गो. सो वो एक स्मॉल स्केल पे शुरू किया बट वो एक ट्रेडिशन बन गई. देन आई डिड दैट विद ऑल माय किड्स फॉर ईद एंड ऑल दीज फेस्टिवल. वी यूज्ड टू डू इट फॉर एवरी ईयर फॉर मेनी ईयर्स. उसके बाद स्कूल्स में कल्चरल फेयर्स होते थे. आई ऑलवेज पुट अप अ पाकिस्तानी स्टॉल. इन फैक्ट टू ईयर्स अगो जस्ट बिफोर द पेंडेमिक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक कल्चरल फेयर हुआ था और तब मैंने पाकिस्तानी स्टॉल लगाया था और बहुत बड़ा सा पोस्टर बोर्ड बनाया, झंडे लगाए और वही तैयारी शारी और सबको बहुत माउंटेन्स के बारे में, अपने नॉर्थ के बारे में और आर्टिस्ट के बारे में, कल्चर के बारे में, इवन लाइक द राइट्स ऑफ वुमेन. यू नो कायदे आज़म कितने अच्छे अच्छे कोट्स हैं अबाउट वुमेन. तो वो सारा बताया तो पीपल वर रियली surprised ki, oh we never thought Pakistan was like this but this is a you're shining a new light on it which is necessary thank you so much iman aap itna kuch kar chahiye sirf ye abhi humne thodi thodi si baatein batayi hain aapko jo iman kar rahi hain iske ilawa agar aap iman se sawal karna chahte hain kar sakte hain break pe ja rahe hain jo break se wapas aayenge na to inhone kuch aur hamare pakistani celebrities ke bare mein hame aisi aisi cheeze batayi hain articles mein jo ki aap janna chahenge and also software aur ek khatoon kaisa raha inke liye silsila chhoti si break ke baad. वेलकम बैक. वापस आ चुके हैं हम. और जनाब अब मैं पूछने वाली हूँ ईमान से कि वहाँ रहती हैं इतने सालों से यूएस में और हैं पाकिस्तानी, तो इन्होंने पाकिस्तान में ट्रैवल किया है, वहाँ ट्रैवल किया है, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ के ट्रैवल में और वहाँ के ट्रैवल में? बिल्कुल गुड क्वेश्चन, ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. आई लव ट्रैवलिंग और यू नो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मौका मिलता है बच्चे फैमिली हम लोग ट्रैवल भी करते हैं. थ्रू माई वर्क बिफोर प्रिंसटन आई यूज टू वर्क फॉर एक्सेंचर जो एक कंसल्टिंग कंपनी है, तो उनके थ्रू मैंने बहुत ट्रैवल किया ग्लोबली भी. और मेरी पूरी फैमिली मेरा मजाक उड़ाती है कि आप तो जहाँ जाती हैं आप कहती हैं वो पाकिस्तान में तो ये बेहतर है और पाकिस्तान में तो बहुत मुझे हंसी आती है. आजकल कितने बोगनविलर्स निकले हुए हैं ना, तो हम जब लास्ट टाइम स्पेन में थे तो मैं कह रही ओ सब बच्चे और सब कह रहे हो कितने ब्यूटीफुल बोगनविलर्स. मैंने कहा पाकिस्तान में तो इससे भी अच्छे है. कहीं भी जाओ मुझे एक कोई झलक पाकिस्तान की नज़र आती है. और पाकिस्तान में भी अल्लाह के शुक्र है ट्रैवल किया बहुत. नहीं आई वुड लव टू ट्रैवल मोर बिकॉज दिस सो मच. जो आप अब तो बहुत हुंजा साइड एंड गलियां बिल्कुल, लेकिन सवात तक गई हूँ, कागान, नारान एंड आई लव लव सवात. बल्कि इट वाज सो सैड जब वहाँ पे फ्लड्स आए थे. आई लव सवात. तो पाकिस्तान में वो ट्रैवल किया. जो आप पूछ रही हैं कि फ़र्क क्या है, अगेन आई मीन ये तो सबको पता है यहाँ नेचुरल ब्यूटी बहुत है, बहुत लाइक इट्स जस्ट रगेड एंड इट्स नेचुरल एंड वी हैव एवरीथिंग. वैलीज भी हैं, माउंटेंस भी हैं, लेक्स, रिवर्स, ओशन, सब कुछ है. माइंस इतनी अच्छी अच्छी हैं. सो लिटरली मतलब मैं और मुल्कों में अगर किसी माइंस में गई हूँ तो मैं कहती हूँ ठीक है बट सॉल्ट माइंस ज़्यादा अच्छी है, केवड़ा सॉल्ट माइंस ज़्यादा अच्छी हैं, या किसी माउंटेंस पे. आई मीन हाँ, तो मैं हमेशा वो कंपेयर करती हूँ. इवन प्लेसेस लाइक वेनिस, राइट, इट बी फनी, लेकिन पतली पतली गलियाँ और आई वुड से कि ओ ये तो लाहौर की पतली गलियों की तरह है. सो हमारा इशारे पे देख लिया आप. सो हाँ, मुझे तो है बहुत प्यार पाकिस्तान से. और जिस चीज़ से आपको प्यार होता है उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ टोटल मिला के आपको उससे प्यार होता है ना. तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग इट्स परफेक्ट, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. एब्सोल्युटली. और वो चीज़ें भी हैं, लेकिन जहाँ तक खूबसूरती और नेचुरल ब्यूटी का ताल्लुक है, आई थिंक It's one of the best places I've visited and I've traveled a bit. Zabardast. अच्छा यहाँ पे हम gender based discrimination की बात करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में you are a Pakistani, you are a woman, आप एक ऐसे ओहदे पे फाइज हैं जिसमें पाकिस्तानी women like casually normally आपको नहीं देखती. आपको क्या लगता है कि वहाँ की discrimination is it there? Does it happen? It is there. 100% it's there. एक तो आपने ओहदे की बात की. ओके सो दिस पाकिस्तानी, दिस बीइंग अ वुमन एंड देन वुमेन इन टेक्नोलॉजी, वो भी बहुत कम है ना. एंड प्लेसेस लाइक प्रिंसटन एंड हार्वर्ड एंड ये लाइक हिस्टोरिकली दे वर मेल डोमिनेटेड स्कूल्स और वो भी वाइट मेल डोमिनेटेड. आई मीन इफ यू रीड अप तो उनकी स्लेवरी की हिस्ट्री भी काफ़ी थी. सो वो ऑफकोर्स अब ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं बहुत फील करती हूँ लोग बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं लेकिन अंडर टोन्स होते हैं. जैसे अगर मैं कोई आइडिया दूंगी तो वो शायद इतना गौर से नहीं सुना जाएगा, बट वही चीज़ अगर कोई मेल वाइट आदमी रिपीट करेगा तो उसको बहुत कहेंगे ओ व्हाट अ ग्रेट आइडिया. सो थिंग्स लाइक दैट आई फील एवरीवेयर. बट अगेन द पॉइंट इज़ कि आप इन चीज़ों पर फोकस ना करें, अपना काम, यू नो वो जो कहते हैं ब्लाइंडर्स लगा के अपना करते रहो तो बस आप चलते जाते हैं. लाइक यू हैव टू focus your energy on the right thing. बिल्कुल. अच्छा energy on the right thing के बारे में मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं लेकिन वो फॉर सम रीज़न बाहर जाना चाहते हैं. वी नो क्या क्या रीजन्स हैं, उस बारे में हम बात ही करेंगे कि रीजन्स क्या है. मगर मुझे ये बताइए कि एक इंसान है
उसके पास एक बहाना है कि नहीं जी मैं उस दिन अच्छा काम करूंगा जिस दिन मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा। हाँ। तो वो पाकिस्तान में रहते रहते अपनी कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसको इम्प्रूव करे कि वो कामयाबी की तरफ जा सके? एक देखिए यूनिवर्सल स्किल्स जो आजकल हर एक को चाहिए, वेदर आप इन पर्सन हो या जूम पे हो, इज़ लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन में सिर्फ बात करना नहीं है, जो लोग बहुत समझते हैं कि सिर्फ बात अच्छी आपने की तो कम्युनिकेशन है, मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिकेशन इज लिसनिंग। सो आप दूसरे की बात सुने और समझें और खुले दिमाग से सुने ना, पहले से प्रीकंसीव नोशंस नहीं रखें कि ओ ये ऐसे कह रही है तो इसका मतलब ये होगा, लाइक रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मतलब क्या है। So I think communication skills, presentation skills and presentation in your communication, agar aap slides kar rahe hain, yeah, even in yourself. So these things will transfer anywhere in the world. Even for me, जब कोई technology की मैं hire कर रही होती हूँ और लोग resumes भेजते हैं तो obviously वो उस job के लिए apply कर रहे हैं क्योंकि उनके पास technical skills तो हैं ही। लेकिन मैं हमेशा देखती हूँ कि टेक्निकल स्किल्स तो हैं लेकिन अगर मुझे 10 टेक्निकल स्किल्स चाहिए और किसी के पास 7 हैं तो वो 3 तो मैं आराम से उनको ट्रेनिंग पे भेज के सिखा दूंगी, बट उनके अपने पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, डायनामिक्स, ओपन माइंड, दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट, कि एक दूसरे को समझें, बी एम्पैथेटिक, बी काइंड, उससे तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ब्रेन ड्रेन हम देखते हैं कि पाकिस्तान से जितने भी ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बाहर जा रहे हैं। सो अगर बाहर जाके उनको कोई ऐसी जॉब मिलती है कि कोई एक ऐसी रिमोट जॉब है, यू नो, जिसमें आपको ऑफिस भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सो क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ से बैठे बैठे कोई इस तरह की जॉब्स के लिए इंसान ऑप्ट करे? हाँ बिल्कुल, बहुत है। इनफैक्ट मैं जब यहाँ थी, मैंने IBA से ग्रेजुएट किया था ईयर्स अगो, सो अभी रिसेंटली आई वॉज देयर फॉर अ गेस्ट स्पीकर लेक्चर एंड आई वॉज अमेज्ड को जो क्लास थी स्टूडेंट्स की, यंग स्टूडेंट्स, बहुत सारे उनमें जो टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैं वो रिमोट जॉब्स कर रहे हैं, यू नो, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो अमेरिका में, यूरोप में, उनके लिए रिमोट जॉब्स कर रहे हैं। मैं खुद भी आजकल जो आई हूँ यू पाकिस्तान, मैं रिमोट काम भी कर रही हूँ अपने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के लिए। तो रात को 7 बजे वहाँ पर सुबह 9 बजे होते हैं, तो प्रिटी मच ऑल नाइट आई एम वर्किंग फॉर माई जॉब, एंड हर वक्त तो नहीं लेकिन अभी मुझे वो एक अकोमोडेशन थी कि यू नो 4-5 वीक्स आप कर सकती हैं। सो एंड अगेन टेक्नोलॉजी इज़ ग्रेट हियर, मुझे कोई इंटरनेट के इश्यूज नहीं हो रहे, जूम पे बहुत सब कुछ सही हो रहा है, कनेक्शन बहुत अच्छी है। सो यस, आई थिंक अब तो दुनिया ऐसी हो गई है कि कोई भी कहीं से भी काम कर ले। आई मीन देयर आर सम लीगल इम्प्लिकेशंस कि भाई अगर मैं मेरी एम्प्लॉयमेंट अमेरिका में है और मैं यहाँ पे परमानेंटली जॉब कर रही हूँ तो टैक्सेस वगैरह उस तरह की लीगल चीज़ें फिर आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं, लेकिन फॉर अ टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम दैट्स नॉट एन इशू। एंड ऑल्सो परमानेंटली अगर कोई कर रहा है तो देन यू कैन, यू नो, उन चीज़ों का आप शुरू से क्लेरिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान अपने आप को इतनी सारी चीज़ें हैं लेकिन उस तरह से रिप्रेजेंट जब नहीं करता जैसे किया जाना चाहिए, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है देख के एज अ पाकिस्तानी? हाँ होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, और मैं सोचती हूँ पाकिस्तान इज़ नॉट रियली द वन जो अपने आप को सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, पूरी दुनिया है जो पाकिस्तान को सही रिप्रेजेंट नहीं कर रही। सही। जो बुराई हैं बस वही न्यूज़ पे दिखाते हैं। मैं भी जब आ रही होती हूँ मुझे सब कहते हैं ओ बी सेफ और ये वो, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स बिकॉज मीडिया पर यही दिखा रहे हैं ना कि भाई अब ये हो गया वो हो गया। आई डोंट नो इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि रेगुलर शादीज और रेस्टोरेंट्स और जो हल्ला गुल्ला है वो नहीं दिखाते। लेकिन आपको लगता है कि सोल्यूशन में एक चीज़ ये है कि पीपल लाइक यू हु आर लिविंग देयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि पाकिस्तानी है, उनकी ये, आप तो उसको एज अ पैशन, एज अ शौक कर रही है ना, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज है, अच्छी इमेज है, वो दिखाएं। यू आर सो राइट अबाउट दिस आयशा। एक ज़माने में मैं जब वो कंसल्टिंग में काम कर रही थी तो मैं बहुत लोगों से मिलती थी जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के थे और बैकग्राउंड्स के, तो मैं एक दफ़ा किसी वियतनामी से मिली और मैंने कहा ओ आई हैव नेवर वर्कड विद समवन फ्रॉम वियतनाम बिफोर। सो जब मैंने उसके साथ काम किया, उसका जो इमेज था वो मेरे दिमाग में था कि अच्छा वियतनामीज जनरली ऐसे ही होते हैं। सो आई थिंक एट अ पर्सनल लेवल हम जब अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू से कि भाई आई वॉज बॉर्न एंड रेज एंड एजुकेटेड इन पाकिस्तान फॉर द मोस्ट पार्ट। और बहुत लोग कहते हैं ओ आई हैव नेवर मेट अ पाकिस्तानी बिफोर। तो अगर आप एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप एक अच्छा रोल मॉडल बन रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक, यू नो, एक इमेज अच्छा हो जाता है, और उसके बाद आप पॉजिटिव चीज़ें भी बताएं, और आई मीन एक्नॉलेज द नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज
अमेरिका में भी बहुत नेगेटिव चीज़ें, हर दुनिया के हर मुल्क में अच्छी चीज़ें भी हैं बुरी चीज़ें भी हैं, तो दोनों को एक्नॉलेज करना चाहिए लेकिन कुछ मुझे लगता है प्री कंसीव नोशन ऐसे होते हैं ईमान के, जो आपको कभी ऐसा हुआ कि कोई मिला हो किसी और नेशनैलिटी का और जैसे उसे सुना आप पाकिस्तानी हैं तो उसने कहा तो ऐसे होते हैं, बट यू आर नॉट लाइक दिस, तो वो क्या ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या ट्रेड्स हैं जो कि आपने उनके माइंड में चेंज किए कि नहीं पाकिस्तानी, आई डोंट नो, ब्रॉड माइंडेड भी हो सकते हैं, प्रोग्रेसिव भी हो सकते हैं, औरतें काम भी करती हैं? बहुत बहुत ज़्यादा हमेशा होता था, और पहले तो 20 साल पहले तो बहुत होता था कि ओ आप पाकिस्तानी हैं, लाइक आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, यू नो दे डोंट इवन रियलाइज कि आपके स्कूल्स भी होते हैं यहाँ पे, और उनको कोई ये आइडिया नहीं होता, इंग्लिश इज रियली गुड, लाइक एग्जैक्टली, तो और इसका भी मेरे पास बड़ा अच्छा जवाब है, जब मुझे कोई पूछता है ना कि अच्छा वेयर आर यू फ्रॉम, और मैं कहती हूँ अगर मैं कहूँ न्यू जर्सी बिकॉज हम 20 साल से वहाँ, कि नहीं वेयर आर यू ओरिजिनली फ्रॉम, तो मैं हमेशा कहती हूँ ओरिजिनली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई मीन दैट्स वेयर माई रूट्स आर, और मैं उनसे पूछूँ तो वो कहते हैं ओ वी बिन इन अमेरिका, बट मैं भी हमेशा कहती हूँ बट वेयर आर यू ओरिजिनली फ्रॉम, बिकॉज ओरिजिनली तो अमेरिका में सिर्फ नेटिव इंडियंस थे, सो दैट्स ऑल्सो अ थिंग, बट बैक टू योर क्वेश्चन, नो इट्स अ वेरी गुड थिंग, हाँ बिकॉज नोबडी वाज, सब वहाँ पे तो अमेरिका तो है ही इमिग्रेंट्स की कंट्री, बट आप जो पूछ रही थी कि सॉरी क्या पूछ रही थी, मैं पूछ रही थी कि एज अ पाकिस्तानी आपको ऐसी कौन कौन सी बात सुनने को मिली कि अच्छा हमें लगा था पाकिस्तानी ऐसे नहीं होते मगर आप ऐसे, ऐसे दो एट्रिब्यूट्स, एक्सेलेंट क्वेश्चन, और एक बड़ी मजे की स्टोरी मुझे दिमाग में आई है, जब हम जहाँ रहते हैं मतलब इस घर में रहते हुए हमें अबाउट 10 साल हो गए हैं, तो जब हम मूव हुए थे वन ऑफ माई किड्स जब वो स्कूल में था तो उसने एक दिन मुझे कहा कि मेरा एक फ्रेंड आएगा ना घर पर आएगा, तो मैंने कहा ज़रूर, तो जब बेल बजी तो वो फ्रेंड भी था उनके अब्बा भी थे, तो वो कहने लगे कि व्हेन माय सन टोल्ड मी कि जी मैं इस फैमिली के घर जा रहा हूँ और ये मुस्लिम फैमिली है, तो आई वांटेड टू मेक श्योर ही वुड बी सेफ, ठीक है कि ये पता नहीं कैसे लोग हैं, तो मैं जाके खुद मिलूंगा कि भाई पाकिस्तानी मुस्लिम, और मुझे कह रहा है राइट मुंह पे मतलब मेरे घर आके, बट इट्स हाउ यू टेक इट, और मैंने कहा ओ यू नो आई एम ग्लैड यू केम हेयर बिकॉज Your awareness is only limited to what you see. Yes. आप कभी मिले ही नहीं हैं, आप किसी को जाने ही नहीं हैं, तो this is great कि आपने ये कहा because now I have the opportunity to change your mind. So he was also like appreciative of that और अब वो बच्चे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस तरह की बहुत चीज़ें हुई हैं। आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि it's how you take it. अगर आप उसको patience के साथ लें और acknowledge करें कि ठीक है दुनिया भर की वजह से ऐसा माना जा रहा है, बट हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि पाकिस्तानी जैसे नहीं होते। और मैं तो रमज़ान में लोगों को like नॉन मुस्लिम्स को बहुत इन्वाइट करती हूँ रोज़ों के लिए और अपना कल्चर शेयर करने के लिए ना, तो ताकि उनको समझ आए कि भाई मतलब It's just like any other part of the world. बिल्कुल, अच्छे लोग भी हैं, हर तरह के लोग हैं, पर अच्छाइयों को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, absolutely. प्रमोट हम पाकिस्तान की अच्छाइयों को, पाकिस्तान की टैलेंट को, आपको लगता है पूरी दुनिया में और किस किस तरह से कर सकते हैं? सीरियसली आयशा मैं बहुत बायस लगूंगी, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, मतलब कारपेंट्री से लेके पेंटिंग से लेके किसी को भी आप कुछ कहें वो बना देगा, कोई पिक्चर दें किसी चीज़ की वो वैसे ही और उससे अच्छा बना देंगे। उसमें देख लें, स्पोर्ट्स में देख लें, हमारी स्पोर्ट्स के यू नो फुटबॉल पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बन रहे हैं ये और वो, किस तरह प्रमोट करना चाहिए? टू थिंग्स, क्रेडिबिलिटी एंड क्वालिटी, बिकॉज ये एक चीज़ है कि कोई अगर कहेगा किसी को अगर काम भी देंगे तो वो कहेगा जी हम 10 दिन में कर देंगे, लेकिन वो 10 दिन में नहीं होता, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड द रिपल इफेक्ट बिकॉज एवरीबडी इज़ रियली अकाउंटेबल, और वहाँ पे ये अकाउंटेबिलिटी की बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो अगर कोई कहेगा जी हम आपको ये प्रोडक्ट बना के 10 दिन में दे देंगे, 11th डे पे जिसने और उसने लेना होगा उनका ऑलरेडी कोई प्लान होगा, सो इफ़ दे डोंट गेट इट वो सारा कुछ खत्म हो जाता है, नेक्स्ट टाइम दे डोंट वांट टू वर्क विद यू नो दैट काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म नहीं है ये, प्लस डेडलाइन अपनी मीट नहीं की आपने किसी और का, जैसे आप कह रही हो उसके साथ एक और कोई डिपार्टमेंट होता है, डिपेंडेंसीज होती हैं। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि लाइट ये वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज होते हैं, लेकिन उसका फिर आप बफर दे देना, मतलब इन ट्राइंग टू गेट द बिजनेस मे बी समटाइम्स वी आर टू ईगर, तो अगर हमें लग रहा है कि 10 दिन लगेंगे तो हम 25 दिन कहते हैं, ताकि हम 22nd डे देंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ईमान क्या कहना चाहेंगी जाते जाते आप उन लोगों को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जिन्होंने आपकी जो है वो काम देखा है कि बतौर एक पाकिस्तानी जब आप पाकिस्तान से बाहर रहती हैं, जो आप इनपुट दे रही हैं और भी दे सकते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे मैं जब भी आती हूँ मैं अपने IBA से कनेक्ट करती हूँ, मेरे जो भी कनेक्शंस मैं उससे कहती हूँ कि आई एम हेयर प्लीज़ यूटिलाइज मी, तो मैं जाके एज यू नो एज अ गेस्ट स्पीकर सेशंस करती हूँ,
और मेंटरिंग करती हूँ पाकिस्तानियों को, इवन बीइंग इन द यूएस, बिकॉज अगेन अब जूम पे इधर उधर आप हर चीज़ कर सकते हैं. सो आई थिंक एट एन इंडिविजुअल लेवल आप अपनी करते रहें, और हर कोई हर एक में सलाहियत है कि एट एन इंडिविजुअल लेवल आप टाइम भी निकाल सकते हैं और आप कोशिश भी कर सकते हैं और लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं. एंड देन द अदर थिंग, आई नो आपने बात की थी बच्चे काम ये वो, आई फील के बच्चे हो जाए, शादी हो जाए, काम हो जाए, किसी चीज़ को भी आप ये नहीं समझें कि ये मेरे लिए अब रोड ब्लॉक बन गया है. एंड देन नॉट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट, कि जस्ट कीप गोइंग, बट ये नहीं कि ओहो ये जब तक परफेक्ट नहीं होगा मैं और कुछ नहीं कर सकती. अगर 80% भी कर लिया तो बहुत है, फिर नेक्स्ट टाइम वो और 85 हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच ईमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का. एंड आज ईमान से हमने इतना कुछ सीखा है, जो खासतौर पर तुमने बात की ना कि जब भी आप जैसे वो कुछ सीख कर अगर आई हैं, वो यहाँ पर पाकिस्तानियों को सिखा रही हैं, तो दुनिया में कोई भी चीज़ ब्लैक और वाइट नहीं होती कि भाई या तो मैं जो हूँ वो अमेरिकन हूँ या मैं पाकिस्तानी हूँ. पाकिस्तानी है, अमेरिका में रहनी है, उसकी कुछ चीज़ें ओन करेंगे, पाकिस्तान की कुछ चीज़ें ओन करेंगी, इन सब कुछ मिलके हर जगह से सारे अच्छे एट्रीब्यूट्स लेके, अच्छी चीज़ें लेके फिर ज़िंदगी को आप इस तरह बेहतर बना सकते हैं. वेल जनाब, ब्रेक पे जाने का टाइम है. ब्रेक से वापस आने के बाद क्या होने वाला है, मैंने आपको बताया था फैज़ अहमद फैज़ की अहलिया ने जो उनको खतूत लिखे थे उस पर कोई किताब है, उनकी ऑथर से एक रिसर्चर से हम आपको मिलवाएंगे. मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद.